नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। छात्राओं को अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। भागलपुर के नाथनगर में हुआ बम विस्फोट। खेलने के दौरान दो मासूम हुआ जख्मी, एक की हालत गंभीर। जांच में जुटी पुलिस। एक ही रात नवगछिया में दो किशोरी की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। इलाके में फैली सनसनी, घर में मचा कोहराम। संडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसएसपी। 26 जनवरी को प्रभारी मंत्री करेंगे झंडोत्तोलन। और भागलपुर पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी को मौके से दबोचा, दो पिस्टल हुआ बरामद। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भागलपुर डीआरडीए परिसर में आईसीडीएस की ओर से बेटियों के सम्मान में रंगोली बनाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चित्रकारी, रंगोली और क्विज प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अर्चना कुमारी, CDPO मैरी लता किस्कू, रेखा कुमारी, श्वेत निशा समेत कई पदाधिकारियों ने प्रशस्ति पत्र और उपहार देकर पुरस्कृत किया। DPO अर्चना कुमारी ने बालिका दिवस की बधाई देते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं छात्राओं ने भी समाज में बेटियों के महत्व को विभिन्न कलाओं द्वारा प्रस्तुत किया। मौके पर जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तबरेज खान, DC अरविंद पांडे, पूजा रंजन, विवेक समेत काफी संख्या में स्कूल की छात्राएं मौजूद थी। यहां कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सब में विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जैसे कि उसमें रंगोली प्रतियोगिता थी, क्विज थी और उसका चित्रांकन प्रतियोगिता थी। तो जो बच्चियां जो हैं इसमें मतलब उत्तीर्ण होकर आई हैं, मतलब अच्छे में की हैं, जैसे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, इन प्रतियोगिताओं में जो बच्चियों ने पाया है उन्हें अभी पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो ये सब हमारे मतलब जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में और विभागीय निर्देश के आलोक में हो रहा है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जगदीशपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सहायक जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान छात्राओं के द्वारा जल जीवन हरियाली, नशा मुक्त, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह, नाटक एवं लोकगीत की शानदार प्रस्तुति दी गई। छात्राओं को संबोधित करते हुए सहायक जिलाधिकारी ने कहा कि बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने एवं जीवन के हर क्षेत्र में बच्चियों के विकास के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर विद्यालय के संचालक आशुतोष चंद्र मिश्रा, फूल कुमारी, बिंदु कुमारी सहित काफ़ी संख्या में कस्तूरबा स्कूल की छात्राएँ मौजूद थीं। भागलपुर नाथनगर स्थित मोमिन टोला में अपराधियों द्वारा झाड़ी में छिपाकर रखा बम शुक्रवार की दोपहर विस्फोट कर गया। बम ब्लास्ट के दौरान वहां खेल रहे दो बच्चे बम की चपेट में आ गया, जिससे कि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है जबकि दूसरा बच्चा आंशिक रूप से जख्मी हो गया। घायल बच्चे का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। अचानक बम विस्फोट की घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मोहल्ले में बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान कुछ बच्चों ने कूड़े के समीप रखे प्लास्टिक को जैसे ही खींचा, उसी दौरान बम जमीन पर गिरते ही विस्फोट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही CTSP सुशांत कुमार सरोज, CTDSP राजवंश सिंह समेत नाथनगर और ललमटिया पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच में जुट गए। पुलिस ने घटना स्थल से बम के अवशेष और ब्लड एकत्रित किया है। घायल बच्चों की पहचान इब्राहिम और शाहिद के रूप में हुई है। नाथनगर के ललमटिया ओपी क्षेत्र में एक कचरे की ढेर के पास से एक दो बच्चे के द्वारा वहाँ पे खेल में वहाँ पे कुछ खींचा गया था और जब वो प्लास्टिक वगैरह खींचा गया तो उसमें से जो एक पान पराग के डब्बे में कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस थे जो कि उसके बाद गिर करके फट गया और दो बच्चों को इंजरीज आई हैं,
जिसमें से एक को काफ़ी माइनर इंजरीज हैं जो कि उसका इलाज वहीं नाथनगर में कर लिया गया है, परंतु दूसरे को मायागंज हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो पुलिस के द्वारा वहां पे पहुंच करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है और जांच किया जा रहा है कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो अवैध सामान है वहाँ पर पहुँचा है, और जो भी जाँच पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये दो बच्चे खेल रहे थे जो गुदरी बाजार के हैं, एक का नाम इमरान है, एक का शाहिद। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कूड़ा भारी मात्रा में पड़ा हुआ है, ग्रिल के बाहर कूड़ा के पन्नी को खींचा बच्चों ने तो बम जो है नीचे गिर गया, फट गया, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने रख दिया होगा कूड़ा में छिपा करके, और उसके फटने से दो बच्चे जख्मी हुए, जिसमें से एक साधारण जख्मी बच्चा शाहिद आ गया है और एक दूसरा जो है मायागंज में इलाजरत है, वो भी खतरे से बाहर है। एक परिजनों के बयान पर एक कांड दर्ज करेंगे हम लोग, अज्ञात के खिलाफ इसका अनुसंधान किया जाएगा। पुलिस जिला नवगछिया में एक के बाद एक अचानक लड़कियों के तड़पकर मरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार की रात रंगरा थाना क्षेत्र से दो किशोरियों की मौत भी कुछ इसी तरह से हुई। दोनों किशोरी एक दूसरे के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान झल्लू दास टोला निवासी प्रेमलता कुमारी व पूजा कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात प्रेमलता और पूजा एक साथ सोई थी और अचानक तड़प कर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां दोनों की मौत हो गई। हालांकि मौत के सही कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। पेट में दर्द होने लगा, साग रोटी खाने आ गए, पेट में दर्द होले 2 बजे लमसम डॉक्टर कन गेल है, रास्ते में अभी के दम टूटी गए आधा रास्ता, डॉक्टर कन नहीं पहुँचा पड़े, ओकर बाद घुरा गए गेल है, रास्ते में चले तो पूजा के घर से फोन अल ओकरो पेट में दर्द हो गए, ओकरो डॉक्टर कन ले गए गाँव वाला डॉक्टर कन, तब ओकरो वही हालत होले। जिले भर में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा, इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। शुक्रवार को भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड मैदान में 26 जनवरी को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने डीएम प्रणव कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। डीएम ने कहा कि सूबे के भवन निर्माण मंत्री प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी झंडोत्तोलन करेंगे, साथ ही विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियां भी निकाली जाएगी। भागलपुर पुलिस ने किसी बड़ी अपराधी घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी को हथियार के साथ दबोच लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया है। सीनियर एसपी आशीष भारती ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए अपराधी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि भिखनपुर गुमटी नंबर 3 के समीप कुछ हथियारबंद अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इसाकचक इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एसएसपी ने कहा कि इसाकचक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ अन्य अपराधी पुलिस को देखते ही फरार हो गया। एसएसपी ने कहा कि पकड़े गए अपराधी की पहचान बरहेपुरा निवासी मोहम्मद मुस्तकीम अख्तर के रूप में हुई है, जिसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए अपराधी से पूछताछ में जुट गई है। इसाकचक थाना क्षेत्र में कल एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग हथियार लेकर के किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए सचो इसाकचक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा जब भिकनपुर गुमटी नंबर 3 के पास पहुंचा गया तो वहां से एक व्यक्ति मोहम्मद मुस्तकीम अख्तर उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया गया है, और उसके पास से 2 देसी कट्टा, फिर 6 जिंदा गोली 0.315 बोर का और 7 जिंदा गोली 12 बोर का गिरफ्तार किया गया है। उक्त जो अपराधी है ये पूर्व में भी इसाकचक थाना कांड संख्या 192/19 में शामिल था। इस पूरे मामले में यह तथ्य आया है कि इसाकचक थाना क्षेत्र में एक जमीन संबंधित विवाद चला रहा है, जिसको लेकर के दिसंबर महीने में भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया था। उसी घटना के बाद फिर से कल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए यह अपराधी आया था, परंतु उससे पहले पुलिस को सूचना मिली और हथियार और गोली के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
अपने डॉक्टरी पेशा से ऊपर उठकर हमेशा सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर हेमशंकर शर्मा आईएमए के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा फिलहाल भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर हैं। मेडिकल क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष वरीय फिजिशियन डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष बनाने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच इलाज के दौरान बेहतर तालमेल स्थापित करना है। जिला की कमान संभालने के बाद राज्य स्तर पर काम करने का मौका मिलने पर डॉक्टर ने बेहतर रिजल्ट देने की बात कही, साथ ही आईएमए के प्रति आभार व्यक्त किया। इधर शहर के कई चिकित्सकों ने डॉक्टर हेमशंकर शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आईएमए चिकित्सकों की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी संस्था है और इसकी शुरुआत 1928 में हुई है। उसके पहले ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन था। आज़ादी से लड़ाई लड़ते हुए हमारे चिकित्सकों ने देखा कि नहीं, हमें एक अपनी संस्था बनानी चाहिए, तो 1928 में आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शुरुआत हुई और कुछ चंद लोगों से ये शुरुआत हुई, कुछ दर्जन भर लोग थे उसमें, और आज हमारी ये संस्था एक वटवृक्ष के रूप में बढ़ चुकी है और 3.25 लाख सदस्य इसके पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, विभिन्न प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। हमारी लगभग 32 मेन ऑफिसेस हैं और हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। अभी डॉक्टर शांतनु सेन इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नेतृत्व में, और बिहार में जो हमारे अध्यक्ष हैं और जो हमारी बड़ी टीम है बिहार की, तो भाई सहजानंद सिंह के नेतृत्व में, डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में ये कसकर चल रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर शुक्रवार को भागलपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में मानव कतार लगाया गया। इस दौरान लोगों ने कतार में खड़े होकर बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की मांग की। जगदीशपुर में युवा रालोसपा के राष्ट्रीय सचिव दिवाकर कुशवाहा के नेतृत्व में सड़क पर मानव कतार लगाया गया। जिला महासचिव तपेश पंजियारा ने कहा कि बिहार में रोजगार के अभाव में मजदूर पलायन कर रहे हैं और शिक्षा की स्थिति भी दयनीय है। भवनहीन विद्यालय में छात्र पढ़ने को मजबूर है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मानव कतार बनाने की बात कही। भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड के अंतर्गत जगदीशपुर मुख्यालय में आज मानव कतार लगा करके सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से शिक्षा में बंटाधार करने का काम किए हैं, आप अभी सत्ता में हैं और आपसे यदि संभव है तो शिक्षा में सुधार कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आने वाला समय विगत दिनों की 2020 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें जनता आपको
सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता लोगों को पार्टी से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को भागलपुर में लोक जनशक्ति पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान संसदीय बोर्ड के सदस्य संजय सिंह ने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और पार्टी से जुड़े लोगों को जनसंपर्क तेज करने का निर्देश दिया। सदस्यता अभियान के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि इस बार लोजपा भागलपुर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। वहीं लोजपा जिलाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में ईमानदारी से मेहनत करने की बात कही। मौके पर दिवाकर राजपूत, पार्षद अनिल पासवान समेत लोजपा से जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग का सदस्यता अभियान का समीक्षा बैठक रखा गया है। वैसे तो सदस्यता अभियान की शुरुआत 28 नवंबर से बापू सभागार में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। सदस्यता अभियान तो यहाँ बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन पार्टी के प्रदेश के संयोजक होने के नाते आज मेरे द्वारा यहाँ भागलपुर जिला में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आज का दिन हमने इसलिए यहाँ रखा है कि आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है, इसलिए आज हमने भागलपुर में यह समय दिया था और आज के दिन हमने इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। 150 बनाना है और जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनको 5,000 सदस्य बनाना अनिवार्य होगा। उसी प्रकार से जो हमारे पूर्व प्रत्याशी हैं और भावी प्रत्याशी हैं, जो लोग भी लोजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको 25,000 सदस्य बनाना अनिवार्य है, ऐसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है। TNB कॉलेज बायोटेक विभाग के छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। PG हिंदी विभाग के छात्रों ने पूर्ण मूल्यांकन को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि सत्र 2018-20 में अधिकांश छात्रों को प्रमोटेड कर दिया गया है। वहीं बायोटेक के छात्रों ने पार्ट 1, 2, 3 में एक ही विषय में ज़्यादातर परीक्षार्थियों को फेल करने की बात कही और सिर्फ फेल विषय में ही दोबारा परीक्षा देने की मांग की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। हम लोग का जो बायोटेक ऑनर्स है उसको जनरल ऑनर्स में कर दिया गया, जबकि हम लोग का पैसा वोकेशनल कोर्स के लिए लिया जाता है 17,000 और हम लोग को जनरल ऑनर्स की मैंने कर दिया। अगर जनरल ऑनर्स में किया गया हम लोग को 45% जनरल ऑनर्स को पास किया जाता है, तो हम लोग क्यों, हम लोग को एक पेपर में अगर फेल होता है तो 5 पेपर का सब एग्जाम देना पड़ता है। अगर 5 पेपर देना तो हम लोग 18 पेपर दे रहा पेपर होगा, कैसे कोई बच्चा मैनेज करेगा, 2 मंथ के बाद एग्जाम है। हम लोगों का बायोटेक को वोकेशनल कोर्स का दर्जा दिया हुआ है, हम लोग से फीस भी उसी का लिया जाता है, लेकिन कल लोगों को कंट्रोलर सर ने, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर ने बताया कि हम लोग का जनरल ऑनर्स है। अगर जनरल ऑनर्स है तो उसके हिसाब से हमारा करिकुलम नहीं है, उसमें 45% पास में है, लेकिन हम लोग हर एक सब्जेक्ट में 45% लाना होता है। उसके बाद भी अगर आप एक में फेल हैं तो पूरे साल को फेल कर दिया जाता है और अगले साल प्रमोट करके आपको 2 साल के एग्जाम 2 महीने के अंदर देने होते होंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे धरना लगाए हुए हैं, 3 दिन से रोज आ रहे हैं, रोज हमें प्रोविसी सर कह रहे हैं कि कल आओ कल आओ कल आओ। गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा को लेकर शुक्रवार को नाथनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन एवं CO राजेश कुमार ने की। इस दौरान बैठक में दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। CO ने कहा कि इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी और विसर्जन के दौरान उपद्रवियों एवं असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। वहीं शांति समिति के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग करने की बात कही। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, भवेश यादव, अशोक राय, नीलम देवी, नजाहत अंसारी, रिजवान अंसारी सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज का ये बैठक मुख्य रूप से आने वाला पर्व बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होने जा रहा है और सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से कैसे व्यतीत हो, हम सभी हिंदू और मुस्लिम आपस में समानता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पूजा को मनाएं, इसी उद्देश्य से ये शांति समिति कमेटी की बैठक की जा रही है। खाने पीने के शौकीन लोगों को अब शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। भागलपुर के भिखनपुर त्रिमूर्ति चौक स्थित पूर्वी चंपारण मीट हाउस में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन उपलब्ध हैं।
पूर्वी चंपारण मीट हाउस के संचालक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ मटन अहूना विशेष रूप से मिट्टी के हांडी में तैयार किया जाता है। साथ ही मटन कबाब, चिकन कबाब और लेग कबाब को चंपारण के कुक तैयार करते हैं। वहीं चंपारण मीट हाउस में प्रतिदिन ग्राहकों को अलग अलग प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं, जिसको लेकर ग्राहकों ने भी जमकर प्रशंसा की। पूर्वी चंपारण मीट हाउस भागलपुर में हम लोग 4 महीने से सेवा दे रहे हैं और हम लोग का चंपारण का सबसे मशहूर जो चीज़ है वो हम लोग अहूना मटन, हांडी में जो मटन हम लोग बनाते हैं वो मतलब भागलपुर में और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। और स्टू, मटन स्टू भी हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, लेग कबाब बनाते हैं। सबसे ये पूर्वी चंपारण मीट हाउस खुला है भागलपुर में त्रिमूर्ति चौक पे, और मैं फिलहाल लगभग वन डे करके मैं आता ही रहता हूँ। खाने का इनका सबसे अच्छा स्वाद बहुत अच्छा है, मसाला वगैरह जो भी चीज़ है मतलब इससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, खाने का टेस्ट अच्छा है। यहाँ की सबसे पहली चीज़ है कि साफ़ सफाई और विधि व्यवस्था अच्छी है। मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर में शुक्रवार को स्वयंसेवकों द्वारा नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को प्राचार्य अमरकांत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली कॉलेज परिसर से निकलकर सुल्तानगंज के दिलगौरी चौक पहुँची और आम लोगों को नशा से दूर रहने एवं नशा के सेवन से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। मौके पर कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रंजन, डॉक्टर प्रकाश कुमार, डॉक्टर चंद्रलोक भारती, राणा कुमार राजू सहित कई लोग मौजूद थे। जिला खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने शुक्रवार को सनहौला के नगदाहा बालू घाट से अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त किया। खनन पदाधिकारी ने बताया कि नगदाहा बालू घाट से अवैध बालू खनन की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सनहौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार के साथ बालू घाट पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सनहौला प्रखंड के तेलौंधा पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत बनाए गए बोरिंग का उद्घाटन शुक्रवार को मुखिया शिव कुमार शाह ने किया। इस दौरान मुखिया ने बताया कि वार्ड नंबर 12 के पकड़िया गांव में नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। वहीं मुखिया ने पकड़िया में जल्द बोरिंग निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। मौके पर जनार्दन प्रसाद यादव सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, छात्राओं को अधिकार के प्रति किया गया जागरूक। भागलपुर के नाथनगर में हुआ बम विस्फोट, खेलने के दौरान 2 मासूम हुआ जख्मी, एक की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। एक ही रात नवगछिया में 2 किशोरी की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी, घर में मचा कोहराम। संडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे डीएम और एसएसपी, 26 जनवरी को प्रभारी मंत्री करेंगे झंडोत्तोलन। और भागलपुर पुलिस ने बड़ी घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी को मौके से दबोचा, 2 पिस्टल हुआ बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।